शिवसेना के एक विधायक ने एक ट्रेन सिर्फ इसलिए रुकवा दी क्योंकि ट्रेन में उनको मनचाही सीट नहीं मिली थी। ये नांदेड़ से शिवसेना विधायक हेमंत पाटिल हैं। हेमंत पाटिल देवगिरी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, उन्हें विंडो सीट मिली थी लेकिन उन्हें सीट पसंद नहीं आई तो उन्होंने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को चलने से रोक दिया और करीब 1.25 घंटे तक ट्रेन को उन्होंने रोके रखा। विधायक की ट्रेन रोकने की वजह से 2 और लंबी दूरी की ट्रेनें 15 मिनट देरी से चली। इसके अलावा 4 लोकल ट्रेनों की सेवाएं भी बाधित हुई और 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर जमा रही। विधायक हेमंत पाटिल के खिलाफ मुंबई की रेलवे पुलिस ने रेलवे की धारा 141 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिवसेना के नांदेड़ के विधायक हेमंत पाटिल के खिलाफ मुंबई के CST रेल स्थानक में रेलवे की धारा 141 के तहत मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि उन्होंने बेवजह चेन की खींची थी और इसी कारण उनके खिलाफ जो है रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन पर आरोप ये है कि कल उन्होंने 9:05 पर मुंबई के इसी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से छूटने वाली जो एक्सप्रेस है देवगिरी एक्सप्रेस उसको करीबन 57 मिनट तक रोक के रखा था क्योंकि उन्हें जिस डिब्बे में सीट मिली थी वो साइड की सीट थी और उससे वो नाराज़ थे, ऐसा उन पर आरोप है और इसी वजह से उन्होंने चेन खींची थी और करीबन 57 मिनट तक रेलवे को आगे नहीं जाने दिया था, ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया था। जबकि दूसरी तरफ विधायक का ये कहना है कि ट्रेन के जिस बोगी में उन्हें सीट मिली थी वहाँ काफ़ी गंदगी थी, वहाँ चूहे भी घूम रहे थे और इस तरह की घटना इसके पहले भी घटी थी और उन्होंने इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन को की थी लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, इसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर रेलवे की तफ्तीश जारी है और रेलवे ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कैमरामैन सुनील गुप्ता के साथ सचिन चौधरी, इंडिया TV, मुंबई।